मनुष्य उसको सुनने के कारण जीवित रहेगा। अरे बाइबल स्टडी करने के बाद भी हो सकता है कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी चुगलियां कंट्रोल में नहीं है, आज भी आपको फोन में सारा दिन रील्स देखने का मन करता है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हो सकता है, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यू नो ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द बाइबल बट नो सेल्फ कंट्रोल। यू नो व्हाई? क्योंकि आपके पास अच्छा ज्ञान है, आवाज नहीं है उसकी। आप फोन भी अपने साथ प्रभु के साथ संगति में उसको साइड में रखते हैं और आपका ध्यान जाता है यहाँ वहां पर। मुझे बताइए खुदा आपसे कैसे बात करेगा? मुझे कई लोग कहते हैं पता खुदा मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ हर दिन करता है, तुम समझते हो क्योंकि तुम अकेले नहीं। कितने लीडर्स थे, मूसा के साथ हारून था, कालेब था, यहोशू था, मरियम थी, कोरह था, दातान था, अबीराम था, एल्डर्स थे। पर आप ऐसे कितने लोगों की बात जानते हैं जब परमेश्वर ने पर्वत पे बुलाया तब वो अकेला था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिजिकली सिर्फ अकेला नहीं होना पड़ता है, खुदा को सुनने के लिए मेंटली भी अकेला होना पड़ता है। दैट इज द रीजन ईश्वर ने कहा कड़ी लगाओ और अकेले चले जाओ। एक व्यक्ति होते हैं जो फिजिकली लोगों से अलग होके परमेश्वर के साथ बैठते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है, ये अच्छा है जब आप बाइबल को पढ़ते हो लेकिन आप खुदा को सुनना चाहते हो तो अब आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, अब आपको मेंटली भी कुछ चीज जाना पड़ेगा। मेरा फोन मेरे पास में पड़ा, मेरा ध्यान वहां है, मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, आपका ध्यान है और आप खुदा को सुनना चाहते हैं। कितना माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ये प्राइस है। सदैव याद रखिए कुछ चीजें मुफ्त में है और कुछ चीजों के लिए प्राइस है। पांच कुंवरियों ने कहा हमें तेल लो, जानते हो पांच ने क्या कहा जिनके पास, जाओ बोल लो परचेस करो, कीमत है उसकी। अगर ये दोनों कीमत आप चुकाने के लिए तैयार हो, एक एक्टिंग बंद कर दीजिए, सेकंड अपने आप को अलग कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का दास होने के नाम लेके आया हूं। जब मैं नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ आऊंगा आप में से हर व्यक्ति यहां पर आके कहेगा मैंने खुदा को सुनना सीख लिया, मैंने परमेश्वर को सुनना सीख लिया। आप जानते हो आपके जीवन में आप कंफ्यूज क्यों हो कुछ लोग, क्योंकि आपको लीडिंग नहीं मिल रही। लीड इस तरफ जा, वो नहीं मिलेगा, इसलिए यू आर सो कंफ्यूज किससे शादी करूं, कहां जॉब करूं, होम लोन लूं कि नहीं लूं, हाउस लोन लूं कि नहीं लूं, ये करूं कि नहीं करूं, ये वापस संबंध टूट गया था अब ये वापस बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों हम कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि हमें लीडिंग नहीं मिल रही, क्योंकि हम इतने ऑक्यूपाइड हैं दुनिया के साथ कुछ बातों में, इतने ऑक्यूपाइड हैं। मुझे हमेशा लगता था व्यभिचार का मतलब होता है फिजिकली किसी टच करना, बट आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल रियल एडल्ट्री जानते क्या है, दुनिया के साथ मिक्स। याकूब कहता है हे व्यभिचारियों अगर तुम संसार से मित्रता करती हो तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम संसार के साथ खुदा के लिए तुम बैरी हो। क्या है दुनिया में पद, पावर, पोजीशन, यही चाहिए हर एक को। और अगर एक मसीह व्यक्ति भी यही सोचे कि मुझे पद, ताकत और पोजीशन और पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे बताइए उसे ऑलरेडी दुनिया के साथ तो मिक्सअप हो चुका है। अलग कीजिए खुद को। आप 3 साल के बाद भी अगर आप मुझे कहेंगे ना भाई हम खुदा को सुनना चाहते हैं कोई रास्ता बताओ, मैं आपको यही सीन टीचिंग ये करके देखो। एक दिन एक आर्टिकल लिख रहा था
मुझे वो फेसबुक पे डालना था, मैंने फ्लायर वगैरह सब बनवा लिए थे, बस मेरा खत्म होने वाला था। अचानक जानते ही मुझे आवाज आई, सूरज बनकर उसे बात कर। और मैं समझ गया इस लॉर्ड, और मैंने जानते क्या कहा, लॉर्ड जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट रुको। हृदय में मैंने बात की, 5 मिनट बस ही पूरा हो गया, और मुझे पता ही नहीं चला मुझे वो लिखते लिखते 25 मिनट हो गए। और आप बिलीव कीजिए, जब मैंने उसको लिखा, मैं मुड़ा और मैंने प्रभु से बात की, मैंने ये फील किया वो हर्ट था। मैं जाकर भी उसकी प्रेजेंस को सीख नहीं कर पा रहा, खोज नहीं पा रहा। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताइए, जिस टाइम पे आपको खुदा कहता है उसी टाइम आप मुड़ते हैं। सदैव याद रखिए, आज्ञा को देर से मानना न मानने के बराबर हो। मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है, इवन मैं आपको अपने अनुभव बताता हूं आप हैरान हो जाओगे। 2020 में मैंने 700 जूम मीटिंग्स ली, 700 जूम की सभाएं ली। आप जानते हैं जब अगस्त आया, 2020 में अगस्त का मंथ आया, मुझे परमेश्वर ने एक हफ्ता जूम मीटिंग्स बंद करने के लिए, मुझे आज भी याद है 3rd week था, मुझे खुदा ने कहा स्टॉप कर। और जितने भी लोगों से मैंने डेट्स लेके रखी थी, मैंने हर एक को कॉल करके कहा, ब्रदर मैं एक हफ्ते के बाद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, मैं अभी नहीं ले पाऊंगा। और जानते हो एक हफ्ते के बाद जब सब कुछ सेट हो गया और मैं प्रभु के साथ बैठा, मैंने एक बात महसूस की। आप जानते हो इतना काम था मेरे पास कि मैं जब भी मैसेज बना रहा था ना, तो मैं हर मैसेज में ये देख रहा था, मैं इसमें से लोगों को क्या बता सकता हूँ, मैं इसमें से लोगों को क्या बता सकता हूँ। अरे लाजर के बारे में नई बात मिली आज शाम को, मैं आप बिलीव करेंगे, मैंने खुदा को अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मैंने खुदा को अपने जीवन के लिए सुनना ही बंद कर दिया। अब मेरा बाइबल जानते हो मैं कैसे पढ़ता था, कि मैं इसमें से लोगों को क्या बता सकता हूँ, इसमें से लोगों को क्या बता। मैंने पर्सनली परमेश्वर से अपने जीवन के लिए सुनना ही बंद कर दिया। आज बहुत की कंडीशन ऐसी, मैं पर्सनल परमेश्वर को व्यक्तिगत जीवन के लिए क्यों नहीं सुन पाते, क्या कारण है? क्योंकि अब डिवोशन नहीं है, अब मिनिस्ट्री माइंडेड हो गए। दैट इज अ प्रॉब्लम। यही उनकी बैकस्लाइडिंग का रीजन। अरे भाइयों बहनों, मैं आपको अपनी गलतियों से सिखा रहा हूं, आप मत करना ये सब, सूख जाओगे। और सूखा हुआ व्यक्ति चर्च आता नहीं है, लाया जाए। सदैव याद रखें, सूखा हुआ व्यक्ति कभी चर्च नहीं आता, वो लाया जाए, उसे इंसिस किया जाता है, चलना यार चलना यार चलना, क्यों क्यों दे आर ट्राई। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए हैं ना, आप उनको सदैव सबसे पहले आते होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या होने वाला है चर्च में आज। बोलो यीशु मसीह की जय। जस्ट टू थिंग्स, वन मास्क उतार, बोलो बाजार को मास्क उतार भाई। ओके, ये बात सब नहीं बोलने वाले मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं मास्क उतार दो। सेकंड थिंग, हाँ यस सिस्टर, अकेले हो जाओ थोड़ा, अरे मिलो ना परिवार से, कौन मना करता है, जाओ मॉल पे भी जाओ घूमने। खुदा ने ये मना नहीं किया है हमें, प्रभु ने गुनाह करने के लिए मना किया है, परिवार के साथ मिलने के लिए मना नहीं किया है। अरे वो टाइम है, लेकिन एक टाइम है खुदा का जब आपके साथ कोई नहीं है, और इसको तो निकालो, इसकी आधा संसार आधी दुनिया तो यही है। आजकल के बच्चे, उनके बिगड़ने का रीजन ही है, और मां बोलती है कम यूज करो, दुश्मन समझते उसको, राइट? ठीक है, सब चुप हो गए आज, कितना कीमत चुकाएंगे आज से। Blessed, अगर आप ये करें, इससे आपका हार्ट क्लीन रहेगा और खुदा सिखा। आमीन। और मैं बिलीव करता हूं एक दिन हमारा भी ये अनुभव होगा जैसे जॉन का है, मैंने परमेश्वर की आवाज को तुरही के समान सुना।
पढ़ाया आपने द फर्स्ट चैप्टर रेवलेशन. आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट. कहता है मैंने खुदा की आवाज तुरही के समान इतनी लाउड.